हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और बिहार विधानसभा चुनाव में वोट कटवा होने के आरोपों पर असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा है वो भी सुन लीजिए। मैंने लड़ा, गुजरात में नहीं लड़ा, कैसे हार गए भाई, कर्नाटका हार गए। अगर कोई ये समझ रहा है कि भारत में सीमांचल का वोटर किसी का गुलाम है या नौकर है, तो हम उसके जहन के जालों को साफ कर दिए। अभी वोटर सुप्रीम है, वोटर किसी का होस्टेज नहीं है। जो किसी को पसंद करेगा उसको वोट देगा। अगर कोई ये कहता है कि तुम क्यों लड़े, अरे मैं लड़ूंगा भाई, बंगाल लड़ूंगा, यूपी लड़ूंगा, भारत का हर इलेक्शन लड़ूंगा। मुझे क्या पूछना पड़ेगा किसी से, मैं लड़ूं या ना लड़ूं? मैं इसलिए लड़ूंगा क्योंकि मुझे डेमोक्रेसी में भरोसा है। मैं इसलिए लड़ता हूं ताकि वो जो वॉइसलेस लोग हैं जिनको डराकर कुचलकर उनका काम नहीं किया जाता, उनकी आवाज बनके उनकी लीडरशिप को पैदा किया जाए। तो ये तो खुश होना चाहिए ना कि भाई हम भारत की जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में कॉन्फिडेंस को बढ़ा रहे हैं। क्यों लड़े, कैसे लड़ना, क्या भाई मैं किसी के मातहत काम नहीं करता। मेरी पार्टी है, मुझे अख्तियार है अपनी पार्टी को फैलाने का। 5 साल पहले हम 6 सीट पे लड़े थे, 1 पे भी कामयाबी नहीं मिली। तब किसका नुकसान हुआ, किसका फायदा हुआ? झारखंड में लड़ा, 1 सीट नहीं जीत पाया, किसका नुकसान किसका फायदा हुआ? महाराष्ट्र हम लड़े, आप ही जाकर बैठ गए शिवसेना के गोद में, हम तो नहीं बैठे ना। तो ये जो अपने आप को ये समझते हैं कि बस हम ही जिंदा रखें सेकुलरिज्म को, हम उनसे कहना चाह रहे हैं कि भाई साहब बस करिए। तो बिहार चुनाव पर असदुद्दीन ओवैसी का पूरा इंटरव्यू देखिए 8:30 बजे।